रहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो। अब मेरे पाकिस्तानियों, क्या उस वक्त निकलोगे, क्या उस वक्त निकलोगे जब खून, वो संग गिरा जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के राहों हैं, मंजिल पर ही जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, अब वो वक्त आन पहुंचा है, या आपको ये फैसला करना है कि आपको हकीकी आज़ादी चाहिए या हकूक से आरी पाकिस्तान। आपको ये फैसला करना है, आपको जबरी गुमशुदगियाँ चाहिए या महफूज पाकिस्तान। आपने ये फैसला करना है, आपको एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो आइंदा आने वाले नस्लों के लिए हो, या एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर रोज आपके घरों पर हमले हो। तो फिर निकलो और इमरान खान की रिहाई के लिए निकलो। मेरी माओ बहनों बेटियों, मैं आपकी कर्ज ख्वाह हूँ, और अब हम निकलेंगे खान की रिहाई के लिए, और आप सब मेरा साथ दोगे। मुझे ये पता है कि ये कौम खड़ी है उस लीडर के साथ जो अडियाला में बैठा है। आज वो देख रहा होगा अडियाला की खिड़की से कि किस तरह मेरी कौम ने हकूमत वक्त की कापे टांग दी है, किस तरह से आज जाती उमरा में खौफ का मंजर तय है। मेरे तुलबा, अब निकलना है हमें अपने लीडर की रिहाई के लिए। मेरी माओ बहनों बेटियों को निकलना है। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, और अब आप सब हमारा साथ दोगे। एक इनकलाब आया था 9 अप्रैल की रात, एक इनकलाब आया था 8 फरवरी, और एक इनकलाब आया है 8 सितंबर। और अब कौम निकलेगी हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। हम आपके साथ खड़े हैं। जब होगा खान रिहा, तो तब बदलेगा ये पाकिस्तान। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इंतज़ार करो, बहुत जल्द हम उस तहरीक का ऐलान करेंगे जिसमें मेरी माएँ बहनें बेटियाँ आगे होंगी, ये तलबा ये जवान हमारे साथ होंगे। और आखिर में मेरा साथ दो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।